हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड इंग्लिश क्वेश्चंस, एसबीआई की तरह के एग्ज़ाम 23 जून के, और ये पार्ट थ्री है। इसका पार्ट वन और पार्ट टू भी यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख लें। और इन सभी वीडियो क्लासेस को मैं ई कोर्सेज में भी अपलोड कर रहा हूँ, और इसका पीडीएफ भी मैं जल्दी से जल्दी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और ये है ग्रेट ऑफ़र, ये केवल 30 जून तक वैलिड रहेगा। इसका फ़ायदा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, तो वहाँ से इन ई कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, इस वीडियो क्लास में मैंने जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है वो सारे लिए हैं, और इसमें एक पैसेज भी लिया है। नॉर्मली क्लर्क एग्ज़ाम में जो पैसेज आता है वो स्टोरी बेस्ड आता है, लेकिन इस बार टेक्निकल पैसेज आया है। एक इकोनॉमी का एक टॉपिक है, उसके बारे में पैसेज आया है, लेकिन पैसेज सरल है, कोई कठिन पैसेज नहीं है, और क्वेश्चंस भी इस बार सरल पूछे गए हैं। तो इस बार एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि ओवरऑल कट ऑफ 70 से ऊपर जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, एक ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें ये पूरा सेंटेंस दिया है, और यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो बोल्ड पार्ट में जो दिया है यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और बाकी के जो पार्ट हैं उनको आपको एक सीक्वेंस में रखना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, और जो आपका सही सीक्वेंस होगा मीनिंगफुल सेंटेंस का, वही आपका इसमें आंसर होगा। तो यहाँ से आपको बनाना है सेंटेंस आई एम राइटिंग से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यही होगा, फर्स्ट पार्ट कोई दूसरा नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट कैन ओनली बी दिस बोल्ड पार्ट। तो चलिए हम इसको देखते हैं, आई एम राइटिंग, ठीक है। अब आई एम राइटिंग के बाद यदि आप कॉमन सेंस लगाएं, तो आई एम राइटिंग व्हाट, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग ए ड्राफ्ट, आई एम राइटिंग ए प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नाउन चाहिए, तो आई एम राइटिंग के बाद आप केबल और केबल ये बोल सकते हैं, कंप्लेन, कंप्लेंट, कंप्लेंट जो होता है वो भी नाउन होता है, और कंप्लेन भी नाउन फॉर्म होता है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है यहाँ पर। कंप्लेन जो है वो वर्ब फॉर्म भी होता है और नाउन फॉर्म भी होता है, कंप्लेन जो होता है वो वर्ब फॉर्म भी होता है और नाउन फॉर्म भी होता है, तो इसलिए यहां पर कंप्लेन जो वर्ड है इसके बाद इसमें आएगा, ठीक है। तो इसमें जो सेंटेंस आपका बनेगा, आई एम राइटिंग कंप्लेन, ठीक है, आई एम राइटिंग कंप्लेन, मैं कंप्लेन लिख रहा हूं, लेकिन किस बारे में है वो कंप्लेन, ठीक है। तो आई एम राइटिंग कंप्लेन अबाउट, पहले आएगा कंप्लेन, फिर आएगा अबाउट, आई एम राइटिंग कंप्लेन अबाउट योर टेलीफोन बैंकिंग सिस्टम, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, कंप्लेन जो है वो सी पार्ट में है, ठीक है, और अबाउट जो है वो डी पार्ट में है, तो सी और डी का इसमें एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सी डी बी ए, ठीक है। आई एम राइटिंग कंप्लेन अबाउट योर टेलीफोन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी, इसमें आंसर होगा। आपको बेसिक्स को ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया कि राइटिंग के बाद नाउन आ सकती है कि राइटिंग व्हाट, ठीक है, राइटिंग कंप्लेन, अब कंप्लेन में लिख रहा हूँ किस बारे में लिख रहा हूँ, तो वो आएगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक आपको हर जगह अप्लाई करना है बैंकिंग एग्जाम्स में, तो इसका आंसर होगा आपका डी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। माय फैमिली बीन माय बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम हैज़ ऑलवेज। अब देखिए, यहाँ पर माय फैमिली के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर बीन दिया है, तो बीन किसके साथ जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा हैज़ के साथ या हैव के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा माय फैमिली हैज़ ऑलवेज, ये हो जाएगा इसमें फर्स्ट पार्ट, और ये हो जाएगा इसमें सेकेंड पार्ट, माय फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन माय बिगेस्ट, यानी डी और ए से एक कॉम्बिनेशन इसमें बन रहा है। तो डी और ए का जो ऑप्शन है वो केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपका आंसर होगा सी। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बैंकिंग एग्जाम में वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है और सरल क्वेश्चन हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कट ऑफ जो जाएगा वो काफ़ी ऊपर जाएगा। इंग्लिश का कट ऑफ मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको 16-17 के बीच में जाना चाहिए मिनिमम, लेकिन उससे ऊपर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वी गेव ऑल द स्क्रैप दैट, अब देखिए चूंकि यहां पर एस लगा हुआ है, स्क्रैप्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ यहां पर ए आएगा सबसे पहले, और इसके बाद ये आएगा वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी,
वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी, यानी पहले इसमें ए आएगा फिर इसमें डी आएगा, ठीक है। वी गेव ऑल द स्क्रैप्स दैट वर रेडी टू थ्रो अवे टू द गीज, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। तो ए और डी का आपको एक कॉम्बिनेशन चाहिए और ए और डी का कॉम्बिनेशन होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आंसर होगा ए डी बी सी, ठीक है। ये नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक्स को अप्लाई करना है और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये एक पैसेज पूछा गया है एसबीआई क्लर्क एग्जाम में और ये सिंपल पैसेज है, ज़्यादा कठिन पैसेज नहीं है। इसको देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू भी इसको कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में केवल 20 मिनट का टाइम मिलता है, तो 20 मिनट का टाइम तो इसको आपको 10 मिनट का टाइम तो एटलीस्ट इसको आपको पढ़ने में ही निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं पूरा पढ़ के इसको समझा सकता हूँ आपको लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा मैं पढ़ के इसको बताता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चंस डायरेक्ट करेंगे इसके, ठीक है। एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि किस बारे में है ये पूरा पैसेज। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ बजट। ये बात बिल्कुल सही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग यदि आप करना चाहते हैं इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग, तो उसके लिए बजटिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। एक बजट बनाना ज़रूरी है कि इसमें हमारा इसके थ्रू हमारी इतनी इनकम आएगी और हमारे ये खर्चे हैं इतना हम सेविंग कर सकते हैं, मतलब उसको प्लान आउट करना ज़रूरी है। बजट भी वही होता है, जिस तरीके से हम अपने घर का बजट बनाते हैं उसी तरीके से देश का बजट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बनाते हैं और उसी हिसाब से उनका हिसाब किताब चलता है। तो उस बारे में है ये। दैट ऑफ कोर्स साउंड्स इजी एंड इवन सिंपलिस्टिक बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन इट सीम्स। बजटिंग सिंपली मीन्स टू लिव विद इन वंस फाइनेंशियल मीन्स। ये देखने पर तो सिंपल लगता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फाइनेंशियली प्लान आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और बजटिंग का मतलब क्या है? बजटिंग का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस फाइनेंशियल मीन्स, मतलब आपकी जितनी इनकम है आपको उतने ही पैर पसारना है, आपकी जितनी लंबी चादर है आपके जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपेंसेस करना है। टू लिव विद इन वंस फाइनेंशियल मीन्स, इसको हम बोलते हैं बजटिंग। तो बजटिंग के बारे में ये पूरा पैसेज है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको, इसके बारे में हमें आइडिया लग जाएगा। यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ईच मंथ, हर महीने आपके पास एक निश्चित पैसा होता है जिसको आपको खर्च करना होता है। सो यू नीड टू सेपरेट योर नीड्स फ्रॉम योर वॉन्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपनी नीड्स को अपनी वॉन्ट से अलग करना होता है। नीड्स क्या होती है? जो आपकी ज़रूरत है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसको हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। और वॉन्ट्स का मतलब जो आप चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलफोन आप चाहते हैं, बाइक आप चाहते हैं, गाड़ी आप चाहते हैं, लेकिन उनके बिना आपका जीवन चल सकता है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है। ये आते हैं नीड्स में, ठीक है। योर नीड्स यूजुअली इंक्लूड हाउसिंग, यूटिलिटी, फूड एंड क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटी, दैट थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट। वंस योर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, एनी रिमेनिंग मनी कैन गो टू अननेसेसरी वॉन्ट्स। एक बार आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो अननेसेसरी वॉन्ट्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ये इस पैसेज का मतलब है, सिंपल पैसेज है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और यहाँ से हम पढ़ते हैं, दोज आइटम्स दैट आर नाइस टू हैव बट नॉट रिक्वायर्ड टू लिव, मतलब ऐसे आइटम जिनका आपके पास होना एक अच्छा आइडिया है लेकिन उनका आपका जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है वो, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू लिव, ठीक है। दे यूजुअली इंक्लूड थिंग्स लाइक केबल टीवी, इंटरनेट सर्विस, रेस्टोरेंट मील, सेल फोन्स विद मैनी फीचर्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वॉन्ट्स हैं, आपकी नीड नहीं है, ठीक है। तो उस बारे में है ये। इन यू नीड टू बी केयरफुल नॉट टू कन्फ्यूज वॉन्ट्स एंड नीड्स, अ वेरी कॉमन रीजन पीपल गेट इन टू सीरियस डेट इज बाई फेलिंग टू लिव विद देयर मीन्स। लोग कर्जे में क्यों फंस जाते हैं? लोग कर्जे में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम के दायरे में नहीं रहते। दे यूज क्रेडिट टू सप्लीमेंट, देयर वॉन्ट्स, बट इवेंचुअली दिस विल कॉज फाइनेंशियल ट्रबल, ठीक है। तो उसी के बारे में ये पूरा पैसेज है। आप चाहते हैं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए ये है इनके क्वेश्चंस और इस पूरे पैसेज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। अभी हम फिलहाल इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हु सपोर्ट द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन बजट मेकिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा,
देखिए इसके आंसर्स आपको बीच में कहीं पर मिल जाएंगे। एक तो ये है द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो असेसेस द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो रिसोर्सेज हैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर असेस करता है और फाइनेंस सेक्रेटरी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र एड्स, एड्स का मतलब सपोर्ट होता है, यहाँ पर इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र एड्स द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफिसर इन द प्रोसेस, मतलब चीफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होता है कंट्री का, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट मेकिंग प्रोसेस में एड करता है यानी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ई। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इवेलुएट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अभी हमने पढ़ा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं जैसे भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनके रिसोर्सेज को कौन इवेलुएट करता है, इनके रिसोर्सेज को इवेलुएट करता है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द रेवेन्यू डेफिसिट पॉइंट आउट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि आपका खर्चा ज़्यादा है और आपकी इनकम कम है, डेफिसिट का अर्थ होता है घाटा, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है कि आपके पास इनकम के रूप में 100 रुपये आए और आपकी जो उधारी है वो 110 रुपये की है, ठीक है, तो 10 रुपये जो है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है आपकी इनकम से, तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नीड्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा आइटम है वो नीड नहीं है, वो वॉन्ट है। मेडिसिन आपकी नीड है, क्लोथिंग आपकी नीड है, फूड आपकी नीड है, हाउसिंग आपकी नीड है, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा मेडिसिन भी आपकी नीड है, इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, ठीक है, तो सेल फोन जो है वो वांट में आएगा, नीड में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मैनेज इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट व्हाट डज इट इंडिकेट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब वही है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी आपके पास जो कलेक्शन आया है टैक्सेस से वो केवल 100 रुपये आया है और आपका जो खर्चा है वो 150 रुपये है या 120 रुपये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लेस रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू का जो कलेक्शन आया है आपके पास टैक्सेस के फॉर्म में और डिविडेंड के फॉर्म में वो कम है और आपको एक्सपेंसेस जो हैं, खर्चे जो हैं, आपको जो सैलरी देना है और दूसरे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो यही इसका मतलब है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका बी, लेस रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज एक्सेप्ट टैक्सेस व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विच गो इनटू द बजट। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है वो किस फॉर्म में आता है। एक तो टैक्सेस के फॉर्म में आता है, हम जो टैक्स देते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, हम जो टैक्सेस देते हैं वो, और प्लस और किस तरीके से आता है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक बोरोइंग, यदि हम बोरो करते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा नहीं, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर, क्योंकि हमने किसी से पैसा उधार लिया है तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक बोरोइंग ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर होगा डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। PSU जो हैं, जो पैसा कमाते हैं PSU से, उसके थ्रू हमें जो डिविडेंड मिलता है वो एक रिसोर्स होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग एज द वर्ड widened। widened का अपोजिट क्या होगा, widened का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है, तो एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड और एम्पलीफाई, ये तीनों तो इसके सिनोनिम है लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका एंटोनिम, तो एंटोनिम होगा इसका एवरेज। एवरेज का मतलब होता है घटा देना, ठीक है। इनलार्ज अलग सेंस में यूज होता है, फिजिकल सेंस में यूज होता है, इनलार्ज भी एक्चुअली सिनोनिम है इसका, ये चारों सिनोनिम है और एवरेज जो होगा इसका एंटोनिम होगा। इस बार SBI का एग्ज़ाम जो आया है वो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी सरल एग्ज़ाम आया है और आपका जो कट ऑफ जाएगा वो काफ़ी ऊपर जाएगा इस बार, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, ये था आपका Part 3, Part 1 और Part 2, उसका लिंक मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, उसको भी आप ज़रूर देख लें और इसका फ़ायदा उठाएं। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं, यदि आप चाहेंगे तो इसके इंग्लिश वर्जन भी अपलोड कर दूंगा मैं इसके, और इसका PDF भी मैं आपको इसी चैनल पर अवेलेबल कराऊंगा। हमारे ई कोर्सेज में अभी 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है 30 जून 2018 तक,
तो उनको उन ई कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यहाँ पर भी आप मुझसे कॉल कर सकते हैं 9893719933 पर। 24 जून के और 30 जून के और 23 जून के बाकी के शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को आप जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।